हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सागरिका और आज की वीडियो उन सभी मेडिकोज के लिए जो सोचते हैं बीएमएस के बाद क्या. सो यस, और जो जूनियर अभी सोच भी रहे हैं कि अरे बीएमएस कंप्लीट होने वाली है, अब क्या करना है. सो देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स. या तो आप एजुकेशन को लेके आगे जाओ, है ना, या फिर आपको जॉब करनी है, यू आर क्लियर. ठीक है, तो एजुकेशन में तो एवरीबडी नोज, AIPGT दो, अपनी PG करो, है ना, या फिर सर्टेन डिप्लोमाज हैं जो BHU, NA, NIA ये सब कराते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ऑल्सो उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो मैक्स हॉस्पिटल है ये भी अपने डिप्लोमाज कराता है, जो कि आप आफ्टर BMS बहुत सारे डिप्लोमाज कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप MBA कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में. अब द पीपल हु वॉन्ट टू डू जॉब, उनको वर्क फ्रॉम होम करना है ना, और इंटरेस्टिंग सा कुछ करना है जिससे उनकी लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो जॉब भी दो तरीके की होती है, आप क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल. क्लिनिकल में यू कैन गो फॉर हॉस्पिटल, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर पॉलीक्लिनिक, जहाँ पे सर्टेन टाइम के लिए कुछ कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं, या फिर जीवा आयुर्वेदा टाइप्स आप ज्वाइन कर सकते हो. क्लिनिकल क्लिनिक्स आपको मिल जाते हैं, आप बैठो, है ना. उसके बाद आप टेली कंसल्टिंग कर सकते हो ऑन दी ऐप लाइक प्रैक्टो, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, सर्टेन बहुत सारे ऐप्स हैं. और द पीपल हु वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम और जिनको IT कल्चर बहुत पसंद है, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. सबसे इंटरेस्टिंग जो कि मुझे लगता है, एक कोडिंग होती है, हर चीज़ में होती है, सर्जरी में भी कोडिंग होती है. तो जिनको इंटरेस्ट है कोडिंग सीखने में, तो वो अपने एक सर्टेन टॉपिक्स के साथ जाके कोडिंग सीख सकते हैं. वो भी बहुत सारे कॉलेजेस कराता है मेडिकल कोडिंग, जिसको कहते हैं, यू कैन सर्च इट. ऑल्सो यू कैन DM मी, तो मैं भी उसके बारे में आपको बता सकती हूँ. और हेल्थ केयर प्रोसेस में आप जा सकते हो, है ना. और इंश्योरेंस, जैसे जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उसमें भी वो मेडिकल फील्ड के ही लोगों को लेते हैं, है ना, तो BMS भी उसमें जा सकते हैं. और ये अपना क्लेम प्रोसेस हो गए जितने, उनमें BMS जा सकते हैं. टेली कंसल्टिंग, जैसे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सभी कंपनीज के निकलते हैं, डाबर एंड ऑल, तो उनमें भी आप टेली कंसल्टिंग कर सकते हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम भी होता है ना. और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर, द कंपनीज लाइक जितने भी ये डायग्नोसिस वाली कंपनीज होती हैं, लैब्स होती हैं, इनके इनमें आप एज एन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर भी ज्वाइन कर सकते हो. ओप्टम लाइक कंपनीज, है ना. और इंश्योरेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ. तो इतनी सारी चीज़ें हैं BMS के बाद करने के लिए, टेंशन लेनी क्यों है. अगर ऐसा है कि आप करके देखो, जॉब नहीं अच्छी लगी, यू कैन ऑल्सो गो फॉर फर्दर थिंग्स, और इंटरेस्टिंग कुछ ढूंढना है, बहुत चीज़ें हैं, सब अच्छा होता है BMS के बाद. BMS करो, आयुर्वेदा को चुनो, आयुर्वेदा आपको सबसे आगे लेके जाएगा. आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट, आयुर्वेदा सबसे पहले. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे.